मैं एडिसन से न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है जहाँ इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया। मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है और ये एक नई चीज नहीं है। इससे पहले मोदी नाम के एक मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी। अब मोदी थाली हमारे ख्याल में मेरे अंदाज में वो है यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका। अच्छा। अमेरिका खुश है। आपने देखा किस किस्म का रिसेप्शन उनको मिला, ये ऑलमोस्ट बेमिसाल है। तो उस लिहाज से वो आइडियल किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा इस दफा मोदी जी का इस्तकबाल किया जाएगा कि ना कभी अमेरिका की तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी का हुआ। स्पेशल प्रिविलेज जो है ये सिर्फ मोदी जी के लिए है, क्योंकि काम शहाना है, अंदाज बड़ा बिंदास है और जब वो बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यह मेरा है, वह पराया है। ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति करते हैं उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। क्या यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है? न्यू जर्सी के एक रेस्तरां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आगामी यात्रा के सम्मान में एक विशेष थाली तैयार किया है। शेफ श्रीपद कुलकर्णी द्वारा तैयार मोदी जी थाली में खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग, कश्मीरी दम आलू, इडली, ढोकला, छाछ और पापड़ भी शामिल हैं। पीएम मोदी की अमेरिका में अपनी पहली राज्य यात्रा पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने 22 जून को एक विशेष डिनर की आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्तरां के मालिक ने कथित तौर पर जल्द ही विदेश मंत्री एस जयशंकर को समर्पित एक दूसरा थाली लॉन्च करने की योजना बनाई है। भारतीय अमेरिकी 18 जून को अमेरिका भर के 20 प्रमुख शहरों में इंडिया यूनिटी डे मार्च के साथ उनका स्वागत करने की योजना बनाई है।